अभी मैं जा रही हूँ अपना मेकओवर कराने के लिए। मेरे पिंपल देखो, दो दो पिंपल हो गए, एक यहाँ पे, और दूर से मैं साउथ इंडियन लग रही हूँ। लग रही हूँ ना, वैसे क्यों ना थोड़ा सा बालों का कुछ कर लिया जाए। और मैं सोच रही हूँ नेल एक्सटेंशन भी करा लूँ, तो नेल एक्सटेंशन कराने भी जा रही हूँ। दोनों चीज़ मैं साथ में ही करने जा रही हूँ। और वर्षा आई हुई है, तो मैंने सोचा वर्षा का बर्थडे आ रहा है, तो क्यों ना उसका भी मेकओवर कराया जाए। तो हम जा रहे हैं अभी सलून, वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं। जोनू हाय बोल दो बेटे शिव को। हेलो बेटा, हेलो जोनू, ये भी हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। तो ये तू क्या पहनने वाली है? गॉड नोस तुम्हारे कपड़े, मेरे कपड़े कुछ नहीं लाई अपने लैपटॉप के अलावा। अच्छा, लैपटॉप के अलावा कुछ नहीं लाई? ओ यू वर्किंग वूमेन। चल जा, मैं तेरे लिए कपड़े ढूंढती हूँ। तो हम जा रहे हैं अभी सलून के लिए, घर के पास ही सलून है, तो पैदल ही जा रहे हैं। और जो ना को छोड़ के आए घर पे, और मेरी तो आँखें नहीं खुल रही थी, गर्म धूप हो रही है और मैं चिल्ला रही हूँ, मुझे बाहर तक सुनाई दे रहा है। कितना बुरा लग रहा है ना, अभी भी चिल्ला रही है बाहर तक, इतनी दूर तक मुझे सुनाई दे रहा है घर, वहाँ वाले ब्लॉक से यहाँ तक सुनाई दे रहा है। पहुँच गई हूँ सलून में, मेरे पीछे वर्षा। अभी मेरा ट्रीटमेंट होने वाला चालू, पहले करेंगे हम हेयर स्पा, उसके बाद होगा, उसके बाद हम कराएंगे नेल एक्सटेंशन कराऊंगी। देखती हूँ कितना टाइम लगता है, पर मुझे कराने तो है। लेट्स सी अगेन, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो अभी ट्रीटमेंट हो गया चालू। ट्रीटमेंट क्या मतलब, हेयर स्पा कराना था। मेरा पिंपल इसमें भी कितना गंदा दिख रहा है, कितना गंदे दिख रहा है, तो मुझे तो वही अजीब लग रहा था दिखाने में। फिर इस भैया ने मेरे बालों के ऐसी तैसी कर दी, इतनी ज़ोर ज़ोर से खींच रहा था, एक तो मेरे को नेक पे भी चुभ रहा था पीछे से। पता नहीं लोग इतनी देर एक एक दो दो घंटा बैठ के स्पा कैसे करा लेते, मेरे को तो इतना कंटाला आता है ना, क्या बताऊँ। फिर मैंने थोड़े से इन्जॉय किया, मसाज करा था तो मुझे थोड़ा सा मज़ा आया। फिर मेरे बालों को उसने खींच खींच के धज्जिया उड़ा दी, क्योंकि मेरे को टचअप कराना था, फिर उसके बाद हेयर कट कराना था। शो योर नेल्स, अच्छा भी ये ओके। मुझे ज़्यादा लंबे नहीं हो गए तेरे काम के हिसाब से? नहीं बराबर है। तो तू ही बोलेगी, चलो ठीक है। कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है। फेस लूँ आप लोगों का? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके okay. कौन सा कलर सेलेक्ट किया तूने? देखते तेरे हाथ में कैसा लगेगा, वैसे तो अच्छा ही लगेगा, बट स्टिल अच्छा ही लगेगा ना। यस चलो मिलते हैं, मेरा भी बाकी है, चलो बाय बाय। बस अपना स्पा का कार्यक्रम चालू हो गया, और जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पागलपंती ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बस अपना चालू है कार्यक्रम। अगेन हम लोग आ गए हैं वॉश के लिए, ट्रीटमेंट होना था, हो गया, अभी हेयर वॉश होगा। तो वर्षा भी वेली बैठी थी, मैंने बोला तू भी हेयर स्पा करा ले, अच्छा अच्छी फीलिंग आएगी थोड़ा सा उसका। फिर हेयर स्पा चालू हो गया, मेरा हेयर कट चालू हो गया, इतना गंदा हेयर कट किया इसने, मेरा मन तो कर रहा था उसका मुंह तोड़ दूं। करा रही हूं अपना नेल एक्सटेंशन, वर्षा का हो गया मेरी बार। तो मेरा ये हो गया और डन। अभी हम लोग कलर चूज़ कर रहे हैं, मतलब नेल्स पे करके देख रहे हैं कैसा लग रहा है। एक ये कलर है अच्छा लगा, पर दी ने बोला है कि एक और ट्राई करते हैं ब्राउन में। तो ये लग रहे हैं मेरे नेल्स, मुझे पसंद नहीं आए, आपको कैसे लग रहे ज़रूर बताना। चोना का रिएक्शन चेक कर। अरे दरवाज़ा खोलो भाई। चोना ओली ओली ओली, आ गई मम्मा, आ गई। ये बटन, ये बटन। मामा भाग गए।